नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, ध्रुव राठी के वीडियो के बाद मोदी समर्थक कई पत्रकार और बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर विलाप कर रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि देखिए ये यूट्यूब वाले पत्रकार और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर मोदी विरोध कर करके पैसा कमाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। इतनी बोलने की आजादी है कि ये मोदी विरोध करके यहां पैसा कमा सकते हैं, फिर भी मोदी सरकार को तानाशाह बताते हैं। लोकतंत्र के हालात को लेकर इतिहास की घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो वर्तमान की गलत घटनाओं को लेकर क्या सवाल ना उठाए जाए। और सिर्फ ध्रुव राठी नहीं या हम जैसे यूट्यूब पत्रकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी इसे लेकर बड़ा सवाल उठाया है देश की मीडिया को लेकर। मीडिया और लोकतंत्र के हालात पर कटाक्ष करते हुए जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि हमें सामने आने वाले फैक्ट्स में कोई निडरता और सच्चाई नहीं मिलती। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि चौथा स्तंभ देश को विफल कर चुका है। पहले तीन स्तंभों के बारे में भूल जाओ, चौथा स्तंभ मीडिया है और वो लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा है, वो संविधान की रक्षा करने में विफल रहा है, वो सच्चाई की रक्षा करने में विफल रहा है। विसल ब्लोवर ही एकमात्र उम्मीद है। विसल ब्लोवर मतलब बहुत सारे समाज से भी होते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं सोशल मीडिया पर, जो आम पब्लिक आवाज उठाती है गलत के खिलाफ, उसको विसल ब्लोवर कहा जाता है। और जस्टिस कुरियन जोसेफ कहते हैं कि अब देश का आम आदमी, आरटीआई एक्टिविस्ट, समाज से भी, मीडिया और तीन स्तंभों से अलग जो पब्लिक है, वही देश में लोकतंत्र बचाने की एकमात्र उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ऐसा बोलते हैं तो सोच सकते हैं कि लोकतंत्र के हालात पर कुछ तो गंभीर संकट है। दोस्तों, स्वस्थ लोकतंत्र वही होता है जहां आपको कुछ भी गलत दिखाई दे तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया उसमें हर बात को फैक्ट के साथ पेश किया है। उसका जवाब फैक्ट के साथ देने की बजाय बेवजह इस तरह की बातें की जा रही हैं कि देखिए मोदी सरकार में ये यूट्यूब वाले पैसा कमाते हैं, फिर भी मोदी को तानाशाह बताते हैं। इतनी तो बोलने की आजादी है दोस्तों, इतनी या उतनी बोलने की आजादी की बात नहीं है। अगर लोकतंत्र के खिलाफ कुछ होता है, संविधान के खिलाफ कुछ होता है, तो पत्रकार का काम होता है उसके खिलाफ बोलना, देश से प्यार करने वालों का काम होता है उसके खिलाफ बोलना, और बोलना चाहिए। यही काम ध्रुव राठी ने किया है, यही काम हम जैसे यूट्यूब पत्रकार करते हैं। ध्रुव राठी ने उस वीडियो में जितने भी फैक्ट पेश किए वो सब फैक्ट हमने भी समय समय पर उठाए हैं। जब भी ये सारी घटनाएं हुई हैं उस पर वीडियो बनाए हैं, ध्रुव राठी ने क्लब करके एक वीडियो बना दिया बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ, तो वो वीडियो काफी वायरल हो गया। ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी ने कुछ नया दिखाया है या कोई प्रोपगेंडा चलाया है वीडियो में। ऐसे में अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है या लोकतंत्र को बचाए रखना है तो लोकतंत्र पर छोटा सा संकट आए तब भी बोलना चाहिए। और ध्रुव राठी जैसे लोगों का विरोध करने की बजाय ऐसे मोदी भक्त पत्रकारों को अपना धर्म निभाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी जज को ऐसा ना बोलना पड़े कि देश का मीडिया संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ की मीडिया और लोकतंत्र पर ऐसी राय के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।